हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी लोगों का हम लोग आज शुरू करेंगे कॉम टियांट फोर लेक्चर तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द खत्म करें वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए तो सेलुलर डेटा नेटवर्क अब ये सब तो पता ही यार टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी इतना सबको पता हो चार नाम पता होते हैं उसके अलावा आगे कुछ नहीं लोगों को ठीक है

सेलुलर नेटवर्क को एक वाईफाई सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपने नोटिस करा होगा हॉटस्पॉट ब्लूटूथ भी हम कर देते हैं हम लोग बड़े भाई आगे बढ़ते हैं 2G के बारे में बात करते हैं 2G जी इज बेस्ड ऑन जी एस एम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल सिग्नल यूज स बैठ थी एनहेंस लीड्स टू लेस पावर फाइव जी बट टू पॉइंट फाइव जी और टू पॉइंट जी हम लोग बोलते नहीं थ्री जी का देखो तो थ्री जी जब पहले आया था उसकी कम स्पीड थी अब थोड़ी ठीक है अगर मैं सही हूं तो दस दस साल के गैप में आया टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी और ये होता है अस्सी में आया था टू जी तो उन्नीस सौ नब्बे में फिर थ्री जी आया दो हजार में आई गेस फोर जी नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ उन्नीस सौ नब्बे में टू जी आया देन दो हजार में थ्री जी आया दो हजार दस में हमारे पास फोर जी आया दो हजार बीस में हमारे पास फाइव जी आया जो की कहने के लिए 5G, 5G है, नहीं, में तो ये चीज होती है तो, और टू पॉइंट फाइव जी को बोल, बोलता नहीं है दो हजार में थ्री जी आया था उसके बाद थ्रीट फाइव जी भी आ गया स्पीड अभी बहुत अच्छी है स्पीड ठीक ठाक स्पीड है फोर जी को बहुत बड़ी स्पीड है मुझे लगा दो तीन होगी चार पाँच एमबीपी होगी एमबीपीएस दे रहा था मैं मतलब बढ़िया आया टू जी में तो पुआ रहता था बिल्कुल मतलब इतनी नहीं आती थी ना मतलब क्या ही कर लेते तुम ज्यादा सा तुम कॉलिंग कर लोगे एस एम एस डालोगे और बस और क्या वीडियो स्ट्रीमिंग तो थी नहीं भाई उस टाइम अब ये चीज़ तुमने तुम्हें ना पता हो शायद की जीएसएम सी डी एम ए के बारे में अब दो तरह के ना हमारे पास होते थे टू जी नेटवर्क जिनको बोलते हैं अब यहाँ पे सिम कार्ड के मैंने इसे इसलिए डाल रखी क्योंकि जो जीएसएम फोन होते हैं ना जी एस एम फोन बोलते हैं मतलब जीएसएम के ऊपर बेस्ड फोन और सी डी एम अपर सी डी एम है ना तुमने कभी देखा ना हो क्योंकि सी डी एक ऐसे फोन है जिनके अंदर जो सिम है ना वो तुम जिस ऑपरेटर का खरीदोगे ना उसी ऑपरेटर का होता है ठीक है पर जी एस एम ऐसा होता नहीं है जी एस एम में तुम कोई भी अपना सिम सिम कार्ड लगा लो वो सारी चीज़ और सिम एक बिल्कुल ही अलग चीज अलग चीज़ है उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो सिम का होता है हमारे पास कि जो उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉग वो सारी चीज़ सेव हो जाती है और जिनको तुम अगर अब सिम कार्ड तुम चेंज करो दूसरे फ़ोन में तो वो ट्रांसफर हो जाती है तो सिम बेसिकली एक तरह की मेमरी ही होती है मैंने सिम की शायद इसमें दे रखी हुई है

उसमें सिम भी होता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो फिर हम बात करें थ्री जी के बारे में आप थ्री जी वही दो हजार एक में लिखा है यूरोपियन यूनियन होता है जो हमारा स्टैंडर्ड सेट करता है वही इसका भी आई टी यू आ जाता है फिर यहाँ पे हमारे टेक्नोलॉजी सर्विस जी पी एस जी पी एस वीडियो कॉन्फ्रेंस मोबाइल टेलीविजन तो ये सारी चीज़ें हमको थ्री जी नहीं प्रोवाइड कर दी सबसे पहली बार ऑल्दो दो उनकी क्वालिटी बहुत बेकार होती थी जी पी एस ढंग से नहीं चलता था उस टाइम पर ढंग से बट इट वॉज द स्टार्ट दो सौ के बी पी एस कितनी स्पीड होती है और जैसे कि मैं कह रहा था थ्री जी के बहुत सारे जनरेशन मतलब थ्री जी के भी जनरेशन आए थ्री जी वन जिसको हम थ्री पॉइंट फाइव कह देते दे हैं थ्री पॉइंट फाइव कहते नहीं है वो

5G भी नहीं आया है और इवन अभी तक तो 4G भी नहीं आया ढंग से मतलब 4G कुछ टाइम बाद वैसे लगभग लगभग आ ही जाएगा कि LTE 2 आ चुका है और LTE 2 की स्पीड 50, 60, 70 तक पहुंच जाती है और जो 4G की एक्चुअल स्पीड है वो है 100 Mbps अब इसका मैं तुम्हें तो अगर बताऊं तो होता क्या है कि 4G LTE एल टी ई इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू असाइन यहाँ पे फोर जी एंड फोर जी नॉट इक्वल टू फोर जी एल टी ई ए तो फोर जी एल टी ए बी को एल टी ई एडवांस्ड एल टी मतलब लॉन्ग टर्म एवेल्यू ठीक है अब हुआ क्या था कि जब 4G जी नया नया आया तो उसकी उसकी स्पीड बहुत ही कम थी बहुत कम थी जैसे 3G जी आया था तो उसकी स्पीड बहुत कम अब 4G जी की स्पीड हमारे पास टू हंड्रेड एमबीपी जैसे कि मैंने बोला अब 4G तक पहुंचने के लिए हमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना था और इस स्टेप बाय स्टेप को हमने एक नाम दे दिया जिसका नाम था एल टी यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है देर इज स्टिल नो रियल फोर जी इन फॉर्म इन द रियल वर्ल्ड स्पीड ऑफ रियल फोर जी हंड्रेड एमबीपीएस ठीक है और जैसे की मैंने कहा फाइव जी तो मतलब ही नहीं बनता मतलब फाइव जी फाइव जी फिर भी आ सकता है पांच साल तक फाइव जी आने के चांस और इवन फोर जी तो चलो मैंने बता दिया नहीं बहुं -E करके एलटी फोर जी के ही पार्ट से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वहां तक तो पहुंच, तो पहुंच रहे हैं अब ये मैंने अभी नोटिस करा था मतलब बता रहा था फिफ्टी एम बी तक स्पीड आ रही थी अपना चेक करी थी मैंने स्पीड जियो बढ़िया था फिर आता है ब्लूटूथ के बारे में थोड़ा ये है कि मतलब एक पर्सनल मिल जाता है उस पेयरिंग रिक्वेस्ट में क्या होता है तुम्हें सिक्योरिटी कोड टाइप कुछ मांगते हैं यहाँ पे एस टी के अग्रीमेंट के लिए फिर पेयरिंग रिस्पॉन्स आता है फिर वो अग्रीमेंट होता है कि दोनों को एक साथ क्लिक करना पड़ता है वो सारी चीजें यहाँ भी दे रखा है सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन तो ये ये सारी ये सारी चीजें होती होती हैं जानबूझ के क्योंकि ताकि तुम्हारा मान लो कोई भी Bluetooth मैं कन, ना कर ले। अब तुम करोगे, ये की मिलती है पर कुछ -कुछ के साथ नहीं जैसे कि स्पीकर्स हो गए हेडफोन्स हो गए वहां पर तुम्हारी ये पासवर्ड या सिक्योरिटी पेयर नहीं लगता है पर तब भी तुम, मतलब उसमें तु, तु, एक ना एक बार दबाना पड़ेगा उसके बाद वो रिमेंबर कर लेता है जिससे वाईफाई में की तुम्हारी शेयर हो जाती है ना तब तुम्हारा लिखा है कि डिवाइस वो होने के बाद ना, उनका शेयर है उनकी की और सब मतलब पेयर हो चुका है पर वो कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड के लिए भी तुम्हें अगले

तो उस लैपटॉप में होता क्या है कि तुम तुम्हें सारा ऑफिस का काम होगा और ऑफिस का काम भी होगा साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर सर्वेलेंस भी रखी जाती है तुम क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो अब अगर तुमने जैसे एक मूवी है

तुम लोगों को डिवाइस तुम अपना लेके जाओगे पर उसमें तुमको लेटजेट से कोई मेल प्रोवाइड कर देंगे कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर दे देंगे और वहां पर तुम अपना काम कर वहां पर तुम अपना काम कर सकते यहाँ पर ये तुम्हें दिख रहा होगा तरीके ये बाकी का हम आगे पढ़ने वाले इस वीडियो के बाद से हम नेटवर्किंग ही पढ़ेंगे तो थोड़ा मतलब नेटवर्किंग अब मैं थोड़ा बचा के रखना चाहता हूँ क्योंकि हाँ हम सी सी एन ए के मतलब मतलब आई थिंक ये लग जाएगा मान लो चलो दो तीन महीना और लग जाएगा इस और जब हम नेटवर्किंग पढ़ने जाएंगे तो नेटवर्किंग में भी ये सारी चीज़ें आएंगी और इससे बढ़िया 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 चीजें आएंगी उस पर तो हम प्रैक्टिकल भी मैंने सोचा करने का बहुत सारी चीज़ें क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर है हमारे पास सॉफ्टवेयर से और सारी चीज़ें हार्डवेयर मैं इतना नहीं बता सकता सॉफ्टवेयर का जरूर बता पाऊँ हार्डवर्क का ये पहला कोर्स है इसका दूसरा भी आएगा थर्ड पार्ट भी आएगा मतलब होंगे वो सेम ही बट अपडेटेड उनके साथ साथ हर साल मोबाइल डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन अब इसका तुम्हें तो पता ही होगा ऑफिस जी मैंने गूगल डॉक्स देन जो स्लाइड्स करके उनका है फीचर देन ऑफिस का 365 या फिर आई क्लाउड आई में आईफोन सबसे बढ़िया है कि iCloud होता है तुम्हारे, है। रहते है, अगर तुम्हारे पास मैक है आईफोन है एप्पल है तो वो सारी चीजें सिंक्रोनाइज रहे, रहेंगी सिंक्रोनाइज का मतलब जैसे मान लो तुमने जीमेल खोला अब जीमेल में तुम्हारे लैपटॉप में कोई तुम्हारे फोन में शो नहीं क्योंकि तुमने सिंक ऑन नहीं कर रहा तो सिंक भी एक मोड होता है उसको ऑन करना पड़ता है तुम्हें तब जाके वो चीज होती है बहुत बढ़िया ऑप्शन है लेट जैसे तुम तीन चार डिवाइसेस यूज कर रहे हो एक ही सॉफ्टवेयर के लिए अब वो एक ही सॉफ्टवेयर का डेटा हर जगह कंसिस्टेंटली चेंज होता है कि मान लो कभी तुमने अपने फोन से एक डेटा चेंज कर दिया तो कभी तुमने कभी अपना लैपटॉप से कर दिया तो वो 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 जो तो वो वर्क फ्लो बना रहा है इसलिए हमारे पास मोबाइल डिवाइस सिंक्रनाइजेशन आया हमारे पास और आज के लिए इतना ही और होपफुली आपको मजा आया आज के इस वीडियो में एंड मैं मानता हूँ थोड़ा मतलब छोटी रही अच्छी भी बात है वैसे ही लोग आगे जाके देखें जरूर देखें यार पिछले दो हफ्ते मैं लिटरली बहुत बिजी रहा हूं और uh, मैं नहीं कर पाया इटले आई एम सॉरी मैं माइक का वेट कर रहा था मैं कब माइक आएगा माइक आया और फिर भी एक हफ्ता बीत मतलब रिकॉर्डिंग करते का कर। एक हफ्ता वैसे गया कि मन नहीं था मोस्टली मन नहीं था और देन <laughs> uh, इसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं लाइक देयर टू लाइक टू वेरी डिफरेंट थिंग्स बट दे आर एक्चुअली द सेम कॉइन विद ऑन टू डिफरेंट साइड्स प्रोक्रेस्टिनेशन और मन नहीं करने का सेम मोस्टली जब कोई बोल रहा है कि उसका मन नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उसको करना नहीं उसको करना है बट ठीक है तो आज के लिए इतना ही और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि यार वीडियो आ रही हो मतलब इस बार मैं थोड़ा अगर मैं हो जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ते में दो या तीन वीडियोस तक आ सकते दो शॉर्ट्स का भी सोचा है मैंने बट शॉर्ट्स के लिए मेरे पे इतना कंटेंट नहीं है अभी मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा और अगर मैं आगे लेकर जाऊँ नेकिंग और वहां तक आते आते वहां पर कंटेंट बहुत सारा हो जाए उस टाइम पर अपने पुराने कंटेंट को दिखाने या फिर नए बहुत चीजें फैक्ट्स बताने के लिए सारी चीजों के लिए हम लोग शॉर्ट्स का यूज कर सकते हो एंड में ही बोलते हैं इन चीजों को क्योंकि एंड तक कितनी लोग देख दो लोग दे, देख लेंगे है ना और दो लोग देख लेंगे और लगभग लगभग वीडियो शायद फिफ्टी तक व्यूज आ गए थे मेरे और फिफ्टी व्यूज के बाद भी यार सब्सक्राइब नहीं कराए लोगों लो ने तो सब्सक्राइब कर मैं बोलू तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बेल एक्सपर्ट चैनल अगर आप सर्च करें तो आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कोर्स भी है हमारा ये रहा हमारा ये रहा हमारा कोर्स और यह, यहीं पर वो वीडियो आएगी 1.4 की भी अभी नहीं आ रखी और यहीं पर हमारे सारे लेक्चर्स आएंगे 2.1 2.2 वन टू पॉइंट थोड़ी लंबी हो गई है मुझे ये मोस्टली छोटी ही, ही बनेगी याद मुझे लग रहा है ठीक है चलो मतलब हो गया उतना तो नहीं होगा बोलते बोलते दो दो, दो तीन मिनट हो गए मुझे बोलते तो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो से शुरू हो रही है नेटवर्किंग और आप लोग जाइए और इस प्ले को सेव कर लीजिएगा जरूर यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन होता है प्ले यहाँ पे प्लस साइन होता है तो उसको जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं नेटवर्किंग तो की प्लानिंग बाय